दोस्तों, इस कोरोना काल में अगर सबसे अधिक किसी का नुकसान हुआ है तो वो है प्राइवेट शिक्षकों का, क्योंकि आज जो प्राइवेट शिक्षक हैं रोड पे आ गए हैं। आज बहुत ऐसे प्राइवेट शिक्षक हैं जो सब्जी बेच रहे हैं, आज बहुत ऐसे प्राइवेट शिक्षक हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। दोस्तों, आज खुद सोच सकते हैं, जो शिक्षक समाज का निर्माता होता है, जो ज्ञान देता है, जो बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आज वो शिक्षक रोड पे है। आज दो वक्त की रोटी उनके पास नहीं है, पैसा कहाँ से आए, वो कहाँ से अपने घर चलाए, तमाम सभी चीज़ों को सोचने में मजबूर है। सरकार तो लॉकडाउन लगा दी, लेकिन प्राइवेट शिक्षकों के बारे में नहीं सोच रही है, सिर्फ आदेश जारी कर दी है कि आज से तमाम सभी प्राइवेट स्कूल बंद है। पिछले साल आपको पता होगा, प्राइवेट जो शिक्षक थे 6 या 7 महीने घर पर बैठे थे, उनका स्कूल नहीं चला था, वो कैसे जीवन जिए, आप खुद सोच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे में प्राइवेट शिक्षकों को देखा था कि अपनी जीविका चलाने के लिए मजदूरी कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट शिक्षक हैं जो सब्जियां बेच रहे थे, जो भी उनका रोजगार मिल रहा था वो तमाम सभी चीज़ों को कर रहे थे। आज सरकार को सोचना चाहिए प्राइवेट शिक्षकों के बारे में, उनके पास सरकारी कोई नौकरी नहीं है कि घर बैठे पैसा मिल जाएगा। वो प्राइवेट शिक्षक हैं, 5 से 6 हज़ार रुपये वो कमाते थे, अपना परिवार चलाते थे, लेकिन आज के समय में उनके पास एक पैसा नहीं है। आज वो घर कैसे चलाए वो सोचे में मजबूर है। आज सरकार सोच रही है कि कोरोना गाइडलाइन जारी करने से, स्कूल बंद करने से तमाम सभी काम चल जाएगा, नहीं। आज खुद सरकार सोचे कि कोरोना से कम वो भूख से ज़्यादा मर रहे हैं। दोस्तों, आज इन प्राइवेट शिक्षकों के बारे में अगर कोई नहीं सोचेगा ना, तो आने वाले फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि जो भी बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बंद हो गए हैं, बहुत जो बड़े बड़े टीचर थे हैं, जो अच्छे, जिनके पास अच्छा ज्ञान था, आज वो रोड पर आ गए हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि दोस्तों, कि जो हमारे समाज का निर्माता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आज उनका ये हाल है। आज सरकार का सिस्टम इतना करप्ट है कि सरकार किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। आज हमारे जो अपने लोग हैं, वेंटिलेटर्स की कमी के कारण मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं, अस्पताल में बेड नहीं है। देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे नेताओं घर ऐसे ही एम्बुलेंस पड़ी हैं। लेकिन दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं, मैं राजनीति पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं स्पेशली प्राइवेट शिक्षकों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि सरकार भी इन प्राइवेट शिक्षकों पर ध्यान दे। जो बड़े बड़े कोचिंग संस्था वाले हैं, आज वो रोड पर आ गए हैं, आज वो दो वक्त का कैसे पैसा कमाए, आप खुद सोचे सरकार, क्योंकि आदेश तो आपने जारी कर दिया, इनके बारे में कौन सोचेगा। और मैं जितनी भी जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय विधायक MP, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी आपके आस पड़ोस के जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं, आपने कितना मदद किया। आप तो नाम रखने के लिए चंदा काट दिया, इधर दे दिया, उधर दे दिया, लेकिन इन प्राइवेट शिक्षकों को कौन पैसा दिया आज तक, कोई भी आगे नहीं आया। बहुत सारे कहने के लिए हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं आज खुद सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से अपनी जीविका चलाऊं। दोस्तों, आज तमाम सभी लोगों को सोचना होगा कि कैसे इन प्राइवेट शिक्षकों का जीवन चले, क्योंकि आज के समय में वो कैसे जी रहे हैं आप खुद नहीं सोच सकते। आज वो डिप्रेशन में जी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को वो होम ट्यूशन में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई अगर जाएगा होम ट्यूशन पढ़ाने, तो उन्हें कोरोना हो जाएगा। दोस्तों, आज प्राइवेट शिक्षकों का जो हाल है, काफ़ी बदहाल है, तो सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों, अगर सरकार इन पर ध्यान देती तो ऐसा आज नौबत नहीं आता। तो स्पेशली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी प्राइवेट शिक्षक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि ताकि ये वीडियो सरकार देगा तो कम से कम प्राइवेट शिक्षकों की मदद करें। बस मेरा यही मकसद था, मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता था, बस मुझे मतलब है प्राइवेट शिक्षकों का जीवन कैसे चले, क्योंकि आज उन्हें घर चलाना मुश्किल है।